कल आपने राइट हैंडेड पैराबोला की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे, आज आप लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के बारे में देखेंगे। जो इंफॉर्मेशन कल आपने कलेक्ट किए थे वो मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी, और जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के लिए आप फिगर ड्रा करेंगे। पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रा कर लिए हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन आप पहले से ही जानते हैं, वाई इक्वल जीरो, और वाई एक्सिस का इक्वेशन पहले से ही आप जानते हैं, जिसे आप लिखते हैं एक्स इक्वल जीरो। इसकी आवश्यकता हमको अभी पड़ेगी, कल भी थी। कल हमने बनाए थे जो पैराबोला, उसे कह रहे थे आप राइट हैंडेड, आज हम ड्रा करेंगे लेफ्ट हैंडेड। इसकी सिमेट्री अभी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ऐसा कहा जाता है। और कल वाले पैराबोला की जो सिमेट्री थी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग थी। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में भी आपको फोकस मिलेगा, जिसे आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो आपके पास में वर्टेक्स था, जिसे आपने कल कैपिटल ए लिखा था, आज भी कैपिटल ए ही राइट कर रहे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास ओरिजिन दैट मीन्स 0 0 है। यहाँ पर फोर टाइप्स के पैराबोला में अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है उनका वर्टेक्स, चाहे वो राइट हैंडेड पैराबोला हो, चाहे वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो, चाहे वो वर्टिकल दैट मीन्स अपवर्ड पैराबोला हो, चाहे वो डाउनवर्ड पैराबोला हो, नहीं बदलेगा तो वर्टेक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये पास आती है कि आपको डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, आपको डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, और विदाउट डायरेक्ट्रिक्स तो आप कुछ नहीं कर सकते। कल और आज में ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर भी आपने कल जो राइट किया था वो था आपके पास जेड एस इक्वल ए जेड, आज भी है। आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस था उसको आपने स्मॉल ए ए कहा था, उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे एस के कोऑर्डिनेट, ये होंगे आपके पास माइनस ए जीरो, और अगर जेड के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये होंगे आपके पास ए जीरो। ये इंटरचेंजिंग हो गई आपके पास। कल भी आपने एक देखा था जिसे आपने कहा था लेटस रेक्टम, यहां पर भी आपके पास लेटस रेक्टम होगा ही। कल और कोई नाम दिया होगा हमने शायद, आज L1S L2 ऐसा कह दिया है, कल शायद हमने LS L1 ऐसा कुछ कहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा भी लिखा जा सकता है। आपको अगर वही पसंद है तो आप वही लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाओगे, और हमें कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं। ये जो आपने लेटेस्ट रेक्टम ड्रा किया है, ये पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये सब सिचुएशन आप लोगों को कल भी बताए गए थे, आज भी बताए हैं। एक दिन अगर पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो टाइमिंग बहुत बच जाता है, और अगर उसी पॉइंट को दूसरे दिन स्टार्ट करना हो तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट भी होते रहता है, मगर रिवीजन होता है तो उसमें फुल कंफर्मेशन आते रहती है।
जो सबसे पहली चीज हमको चाहिए इसके लिए, इसका इक्वेशन चाहिए आपको, इसका इक्वेशन चाहिए। तो ये इक्वेशन है, कल के इक्वेशन में और आज के इक्वेशन में डिफरेंस है साइन का। कल यहां पर था वाई स्क्वायर इक्वल 4x और आज लिखा है हमने वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4x। ये बताता है कि ये पैरा बोला कि जो सिमेट्री है वो नेगेटिव x एक्सिस के अकॉर्डिंग है और y स्क्वायर इक्वल 4x लिखा हुआ है, दैट मीन्स वह पॉजिटिव साइन था, तो उसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि वो उसकी सिमेट्री पॉजिटिव x एक्सिस के अकॉर्डिंग है। इस इक्वेशन को देखने के बाद जो सबसे पहले हमने राइट किया था वो था आपके पास वर्टेक्स, कल भी लिखा था आज भी लिखेंगे, और वर्टेक्स को आप कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपके पास में 0 0। सेकेंड इंफॉर्मेशन आपने देखा था शायद, मेरा जहां तक अनुमान है फोकस, हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो सकती है, आप लोग मुझे बताते रहेंगे, फोकस जो जरूरी है वो अपन लिखते रहेंगे। क्या मिलेगा बेटे, इसे कैपिटल एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए जीरो। फोकस के बाद जो थर्ड इंफॉर्मेशन थी वो हमने क्या लिखे थे कल बेटे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कल एक इंफॉर्मेशन छूट गई थी जो आज बढ़ जाएगी, शायद हो सकता है लिख लिए होंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आज के हिसाब से अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखेंगे तो यह है आपके पास x माइनस ए इक्वल जीरो, दैट मीन्स x इक्वल ए, और कल क्या थी एक्स प्लस ए इक्वल जीरो थी। इक्वेशन आप लेटेस्ट रेक्टम कल लिखे थे क्या? Yes, चलो हम यही भूले थे ऐसा लगा, मगर लिखे थे इक्वेशन आप लेटेस्ट रेक्टम। क्या होगा बेटे, एक्स प्लस ए इक्वल जीरो, ये इंटरचेंजिंग होगा इनमें, फोकस और जेड के जो कोऑर्डिनेट है उनको आप देखते हुए चल रहे हैं। फिर क्या लिखा था बेटा कल हमने, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये तो नो चेंज है बेटे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कल भी जो था वो आज भी है वाई इक्वल जीरो, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस दैट मीन्स एक्स एक्सिस, जिसका इक्वेशन क्या होगा वाई इक्वल जीरो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हंसते हो, हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते ही हम तो, बहुत सारे लोग हंसते हैं, तुम भी हंस लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ बहुत अच्छा लगा, ऐसा बोला करो बीच बीच में। आप लोग हंसते भी हो और शर्माते भी हो ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, हंसो मगर शर्मा के हंसो। चलो ठीक है कोई नहीं, अब हमने आगे क्या लिखा था बेटे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और ये लिखा था आपने कल शायद 4a, तो आज भी रहेगी 4a, ये भी नो चेंज रहेगी। 4 टाइम्स के जो आपके पैरा बोला है उसमें ये भी वही कांस्टेंट। और फोकल डिस्टेंस, क्या बात है,
ये भी नो चेंज ही रहेगी ऐसा लगता है मेरे को। कल हमने ए प्लस एक्स वन ऐसा कुछ लिखा था शायद, और क्या लिखा था बेटा का? वो ऊपर लिख दिए, और कुछ लिखे थे? तो ये जो इंफॉर्मेशन आपने आज देखा यहां पर, इससे हमको पता चलता है कि हम अब नेक्स्ट वाले पैराबोला की इंफॉर्मेशन राइट करना स्टार्ट कर दें। और नेक्स्ट वाला जो आपका पैराबोला है वो है आपके पास वर्टिकल या अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला वर्टिकल, या इसी को आप कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। इक्वेशन चेंज हो गया बेटे, जहां लिखा था वाई स्क्वेयर वहां आ गया आपके पास एक्स स्क्वेयर, और जहां पर आपके पास 4ax लिखा था वहां आ गया 4ay। ये चेंजिंग हो गई, आपके फिगर को भी चेंज करना ही पड़ेगा ऐसा आप कह रहे हैं हमसे। नहीं करता तो बोलता तो मैं हूं, मगर मैं आपके संदर्भ में कहता हूं। ये रहा आपके पास अपवर्ड अपवर्ड पैराबोला। इसका देखो ये माउथ ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, आप लोग भी खोल के रखे मगर दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर अब आपके पास फोकस, ये ध्यान रखना, फोकस आपके पास कर्व के बाहर नहीं मिलेगा, आपको कर्व के अंदर ही मिलेगा फोकस। आप लोगों ने फोकस देखे इसमें अपने, ये देखो मेरा फोकस जिसको हिंदी में आप लोग नाभि कहते हैं, ये है इंग्लिश में इसको आप लोग फोकस कहते हैं। और यही फोकस जब हम लोग देखेंगे एलिप्स में तो वहां पर डबल फोकस मिलेंगे, तो वो डबल फोकस है ना, फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकी, FOCI फोकी। अच्छा देखो ऐसा लगता है जैसे हम हिंदी पढ़ रहे होंगे, चलो ठीक है। तो आप लोग पूरे सिचुएशन को देखते हैं, फोकस को बाहर मत ले लेना आप कर्व के, नहीं तो कभी कभी आप सोचते हैं कि हो सकता है कि कहीं बाहर भी निकल जाए फोकस, वो अंदर ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, तो जो मेन पॉइंट है आप देख रहे हैं यहां पर भी इसे आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, मगर डायरेक्ट्रिक्स को आप देख रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के लिए आप जो सिचुएशन देख रहे हैं ये अब डायरेक्ट्रिक्स आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, इसके पहले दोनों कंडीशन में वाई एक्सिस के पैरेलल थी बेटे। तो आप देख रहे हैं
फोकस, अगर आपके पास अगर नॉलेज हो, अभी फोकस जो लाए कर रहा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में लाए कर रहा है। यहां पर वही कंडीशन है, ये अगर कैपिटल ए वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, दैट मीन्स एस इक्वल ए जेड इक्वल स्मॉल है, तो आप बता सकते हैं इस कंडीशन में कोई भी अच्छा स्टूडेंट बता सकता है कि यहां पर फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। क्या बात है, बच्चे हो तो ऐसे और नहीं तो फिर बच्चे ही ना हो। 0, a दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस में 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस बता रहा है एस जिसकी वैल्यू है आपके पास स्मॉल है, तो अब आपके पास इस कंडीशन में यही तो चीज रहेगी आपके पास किस फॉर्म में आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहा है, क्या राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है कि वर्टिकल दैट मीन्स अपवर्ड पैराबोला है, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए फोकस के कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहे हैं। डेफिनेट जेड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 - a, ये आप लोग बता रहे हैं और ये जो बता रहे हैं इससे ये समझ आ रहा है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं बेटी इससे पता चलता है कि आपको मैं समझा पा रहा हूं, नहीं तो इसको समझाना बहुत मुश्किल है, मेरे को कभी समझ नहीं आया मगर मैं समझाने की कोशिश पूरी कर रहा हूं, मगर आप लोग समझ रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है। अब यहां पर भी आप देखेंगे लेटेस्ट रेक्टम के बारे में, यहां पर भी सोचेंगे और जब आप बात करेंगे यहां पर अगर बात करते हैं तो इस इक्वेशन को लिखें तो वर्टेक्स नो चेंज, आपका फोकस चेंज हो गया बेटे, और फोकस आपने क्या कहा 0, a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स जिसकी वैल्यू होगी वाई इक्वल माइनस ए दैट मीन्स वाई प्लस ए इक्वल 0, ये वाई की वैल्यू है, ये चेंज हो गई, देखो जब तक एक्स एक्स लिख रहे थे, ये पॉइंट बड़े ध्यान से देखना क्योंकि यहां ज्यादा चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई प्लस ए इक्वल 0, दैट मीन्स वाई इक्वल माइनस ए भी राइट कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वाई माइनस ए इक्वल, क्या बात है आप ही बता रहे हो, आप बताइए इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये बन गई अब आपकी एक्सिस, दैट मीन्स वाई एक्सिस इस पैराबोला की एक्सिस है जिसका इक्वेशन एक्स इक्वल 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये है आपका टेंजेंट जो वर्टेक्स पर टच करते हुए पासेस थ्रो है, लाइन जिसको आप कहते हैं एक्स एक्सिस और जिसका इक्वेशन क्या है वाई इक्वल 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये बोले थे हमने हर कंडीशन में सेम रहेगा, दैट मीन्स नो चेंज, और फोकल डिस्टेंस चेंज हो गया, जहां पर लिखे थे आपने एक्स कोऑर्डिनेट वहां अब आ जाएगा आपके पास वाई कोऑर्डिनेट। चले आगे, तो ये इंफॉर्मेशन थी आपको, ये जैसे ही फिगर ड्रा करते हैं बेटे तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आप कौन से पैराबोला की बात कर रहे हैं, तो ये फोर्थ टाइप का जो पैराबोला है आपका, फोर्थ टाइप के पैराबोला की आप बात कर रहे हैं जिसका नाम बदल कर अब हो जाएगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला, और फिगर भी चेंज, आप लोग इतने समझदार हैं कि मैं फिगर ड्रा नहीं कर पाऊंगा उसके पहले ही आप लोग अपनी कॉपी में उस फिगर को ड्रा करके रख लेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है।
ये डाउनवर्ड पैराबोला का फिगर आपने ट्रेस कर लिया, दैट मीन्स ड्रा कर लिया। यहाँ पर आपको चाहिए डायरेक्ट्रिक्स, बिना डायरेक्ट्रिक्स के आपका काम ही नहीं चल रहा है। फोकस भी चाहिए, और जब फोकस चाहिए तो आपको लेटस रेक्टम भी चाहिए। हाँ बोलिए। तो आपको इतना तो पता है कि आपको वर्टेक्स भी चाहिए, तो डेफिनेट अब आपका फोकस चेंज होकर के नेगेटिव वाई एक्सिस में लाए करने लगा बेटे, जिसके कोऑर्डिनेट 0, -a, तो जेड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -a। इक्वेशन आप डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो ये वाई इक्वल ए, दैट मीन्स वाई माइनस ए इक्वल 0, और अगर लेटस रेक्टम के इक्वेशन की बात करेंगे आप तो वाई इक्वल माइनस ए, दैट मीन्स वाई माइनस ए इक्वल 0। वाई प्लस ए इक्वल 0 तो लिखा हूं, बोला गलत था क्या? सॉरी, वाई प्लस ए इक्वल 0। अब आप देखिए इक्वेशन भी चेंज, ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। जैसे ही नेगेटिव दिखा, क्योंकि इसकी सिमेट्री जो है वो नेगेटिव y एक्सिस के अकॉर्डिंग है, देख रहे हैं आप लोग, वर्टेक्स वही है, फोकस चेंज 0, -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y माइनस ए इक्वल 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम y प्लस ए इक्वल 0। ये चेंज होते रहते हैं आपस में। इक्वेशन ऑफ एक्सिस वही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही है, बाकी सब वही है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे इंफॉर्मेशन को हटा देंगे। वही है बोल दिए तो आप अपनी कॉपी से देख के चलिए, और अब हम सब हटा रहे हैं, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। फोर टाइप्स के जो आपने अभी पैराबोला की इंफॉर्मेशन देखे हैं, इसमें अब जो चेंज आएगा उस चेंज वाले पैटर्न को देखिए जो आपके पास चाहिए। अभी तक जो वर्टेक्स था, वो आपका ओरिजिन, दैट मीन्स 0, 0 था। अब हम जो बात करेंगे मेन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स अल्फा बीटा एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस एक्सिस नहीं है, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई अदर लाइन अब उसकी एक्सिस बन गई है। अब ओरिजिन आपका जो वर्टेक्स है वो या तो कहीं पर भी लाए कर सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस टाइप के सिचुएशन में आपको टू टाइप्स के पैराबोला मिलेंगे। फर्स्ट टाइप के पैराबोला की बात करेंगे, जो आपने लिखा था ये वाला, इससे ही रिलेटेड लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax लिखा था, तो इसमें आपकी एक्सिस थी एक्स एक्सिस, ये लिखा था ना कल आपने। यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं तो ये मिलेगा आपके पास y माइनस बीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल 4a इन ब्रैकेट्स x माइनस अल्फा।
ये फर्स्ट फॉर्म होगा इस कंडीशन के लिए, और इसका सेकेंड फॉर्म होगा वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल माइनस फोर ए एक्स माइनस अल्फा। दैट मीन्स एक आपके पास मिलेगा राइट हैंडेड तो दूसरा मिलेगा आपके पास लेफ्ट हैंडेड, मगर दोनों कंडीशन में वर्टेक्स आपका अल्फा बीटा रहेगा और उसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगी। जो अपन ड्रा करते थे एक्स एक्सिस, तो उसकी एक्स एक्सिस के पैरेलल या तो ओरिजिन के अपर भाग में या ओरिजिन से लोअर पार्ट में कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। बस ये हो सकता है अंतर कि वो या तो राइट हैंडेड बनेगा या तो लेफ्ट हैंडेड बनेगा। दैट मीन्स जनरली अगर अपन देखें तो इसका एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है ये एक्सिस आप ड्रा करेंगे, ये वर्टेक्स बन गया, यहाँ था यहाँ पहुँच गया, ये अल्फा बीटा उसके कोऑर्डिनेट हो गए, या ये ऐसे ही राइट हैंडेड रहे मगर यहाँ से ड्रा करते हुए जाए, सब देखेंगे भी हम क्वेश्चन में, या हो सकता है यहाँ उसका वर्टेक्स हो ऐसा ड्रा करते हुए जाए मगर राइट हैंडेड रहेगा, या यहाँ वर्टेक्स हो और अपन ड्रा करेंगे तो वो राइट हैंडेड दिखेगा या तो फिर लेफ्ट हैंडेड दिखेगा, यहाँ वर्टेक्स है मगर उसका जो माउथ है वो लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये दोनों सिचुएशन में आपको पैराबोला की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इसी में एक स्पेशल कंडीशन आएगी, दैट मीन्स ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लिखे हैं दैट मीन्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, दैट मीन्स और यदि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्सिस को आप वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। ये कई वर्ड्स का ऐसा यूज करेगा आपके पास क्वेश्चन में। इसी में आपके पास जो सेकेंड इंफॉर्मेशन आएगी ये 1 2 3 4 के बाद फिफ्थ वन था, ये 2 था वो आज स्टार्ट किए, थर्ड बताए, फोर्थ बताए, फिफ्थ बताए, ये 6 बता रहे। अब आपके पास ये इक्वेशन आप पैराबोला की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसमें एक स्पेशल इक्वेशन और आता है जिसको आप देखेंगे इसमें वाई स्क्वेयर में है, दैट मीन्स इसका एक पार्ट और आता है जो मैं यहाँ थर्ड करके लिख देता हूँ। ये रहेगा आपके पास एक्स इक्वल कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, यानी स्क्वेयरिंग में कौन है वाई स्क्वेयरिंग में, दैट मीन्स यहाँ वाई आएगा, एक्स इक्वल ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि स्क्वेयरिंग में आपके पास यहाँ पर वाई है, दैट मीन्स वाई स्क्वेयरिंग में होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को आप ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अभी कुछ समय बाद देखेंगे। आपको इक्वेशन दिया रहेगा किसका पैराबोला का, जैसे लिखा है एक्स इक्वल ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी, ये वही पैराबोला है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये उसका थर्ड फॉर्म है, ये इनमें कन्वर्ट होता है ऐसे फॉर्म में, ऐसा रहेगा पहले और वो इन फॉर्म में जाकर के कन्वर्ट होगा जहां पर उसका वर्टेक्स चेंज होकर के अल्फा बीटा में लिखा जाएगा। अगर आप अल्फा इक्वल जीरो और बीटा इक्वल जीरो लिख दो, दैट मीन्स ओरिजिन लिख दो, तो वही वाई स्क्वायर इक्वल आपको फोर एक्स मिल जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? सेकेंड वाला आप देखोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल माइनस फोर एक्स मिल जाएगा, दैट मीन्स एक आपका राइट हैंडेड तो एक आपका लेफ्ट हैंडेड, जब अल्फा इक्वल जीरो बीटा इक्वल जीरो दैट मीन्स वर्टेक्स, अभी अल्फा बीटा लिखा है ओरिजिन लिख देंगे तो फिर आपके ओरिजिनल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स अल्फा बीटा वही लिखेंगे मगर एक्सिस चल जाएगी, एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट मीन्स इसकी एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस कहेगा। ऐसे वर्ड्स का भी यूज कर सकता है वो। तो इसमें फर्स्ट सिचुएशन आएगा वो आएगा एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर विच इज इक्वल फोर ए वाई माइनस बीटा, बीटा हमेशा वाई के साथ ही रहेगा ध्यान रखना, बात समझ रहे हो ना? ये सब चीजें आपके पास अभी स्पेशल क्वेश्चन जो आज स्टार्ट तो हो ही नहीं सकते मगर कल स्टार्ट होंगे तब मैं आपसे पूछूंगा।
अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो बोल पाएगा वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएगा। और सेकेंड इंफॉर्मेशन में आएगा बेटे एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर विच इज इक्वल माइनस फोर ए वाई माइनस बीटा। ये रहेगा एक्चुअलिटी में अपवर्ड, दैट मीन्स वर्टिकल पैराबोला, और ये रहेगा आपके पास में डाउनवर्ड पैराबोला। अगर आप अल्फा इक्वल बीटा इक्वल जीरो रखेंगे, दैट मीन्स आपको एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल फोर ए वाई मिलेगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस फोर ए वाई, दैट मीन्स जो अपन ने भी कुछ समय पहले पढ़े थे उनमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वर्टेक्स ओरिजिन हो जाए तब की बात हम कर रहे हैं। अब ये जो थर्ड फॉर्म यहाँ जो आएगा बेटे, वो थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ वाई इक्वल, क्योंकि स्क्वायर में यहाँ एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। ऊपर वाले में हमने कैपिटल कैपिटल कॉन्स्टेंट लिया है और नीचे वाले में हमने स्मॉल स्मॉल कॉन्स्टेंट लिया है। ये जो अभी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन देखे, इसके लिए भी आपके पास जो सिचुएशन मिलेगा, अब हम जैसे आप लोगों ने सर्कल में देखा था पैरामेट्रिक इक्वेशन देखे थे ना, देखे थे कि नहीं, वैसे ही पैरामेट्रिक इक्वेशन भी यहां मिलेंगे, आपको बताए जाएंगे। दूसरी चीज आपको हमने कहा था कि पॉइंट की पोजीशन सर्कल के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि वो इनसाइड द सर्कल है कि आउटसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है, वैसे ही यहां भी सिचुएशन होगी, पॉइंट की पोजीशन आप पैराबोला के अकॉर्डिंग बताएंगे। क्या वो इंटीरियर ऑफ द पैराबोला है पॉइंट, या एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला है पॉइंट, या ऑन द पैराबोला है, तो ये सिचुएशन कर्व के साथ में आपको बताई जाएगी। और ये जो अभी इंफॉर्मेशन आपको हमने बताया है, ये इंफॉर्मेशन की स्टडी करके आप आएंगे। और ये अगर फोर टाइप्स के पैराबोला की इंफॉर्मेशन आपको अगर कंप्लीट है यहाँ, तो आपको ट्वेल्थ में पैराबोला से कनेक्ट क्वेश्चन जो आप एप्लीकेशन आप डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि आपको ट्वेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और जब जब मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ और बेल लगती है, तो वो सत्य ही होता है।